हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बैंक मैनेजर कितने बड़े माँ बाप फूद होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आप लोगों का किसी ना किसी बैंक मैनेजर से ऐसे जो कि मादर खुद होता है उससे पाला पड़ चुका होगा। उसी एक बैंक मैनेजर की स्टोरी मैं इस न्यूज़ में कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि उस हरामखोर लोमड़ी के बैंक मैनेजर ने कैसे कस्टमर का पैसा खाया, किस किस तरीके से पैसा लूटा, उसका कैसे चूतिया बनाया कस्टमर का, वो देखते हैं, इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर किसी ऐसे किसी मादर खोद बैंक मैनेजर से पाला पड़ा है तो प्लीज़ उसकी डिटेल हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसकी भी क्लास लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं। न्यूज़ छपी है दोस्तों ये दैनिक भास्कर में। चैनल पर नए चलो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों न्यूज़ शेयर कर लेते हैं। ये दोस्तों जो तस्वीर हाईलाइटेड देख रहे हैं ये उस हरामखोर चोर बैंक मैनेजर की है, जिसने करीब 1 करोड़ की घपलेबाजी की है, जो अभी पकड़ में आया है फिलहाल की डेट में। अभी की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, पढ़ लेते हैं। बिहार के बैंक मैनेजर की गबन कथा शेयर ट्रेडिंग के लिए, मतलब शेयर मार्केट में पैसा डालने के लिए 200 से ज़्यादा अकाउंट में हरामखोरी कर डाली इस बैंक मैनेजर ने, इस चोदू बैंक मैनेजर ने, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कर चुका है। और इसमें स्टाफ कैसे सहायता देता था, हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूँ, मेरे जो आप वीडियो देखते हैं, कि कभी भी कोई घपला सिंपल एक बंदा नहीं कर सकता है, उसके बाप, उसके दादा, उसके बच्चे सब इसमें मिलीभगत जरूर कहीं ना कहीं होती है। यहाँ बाप दादा बच्चे से मतलब है कि बैंक में अगर कोई बंदा है तो उसका अपर स्टाफ और जूनियर स्टाफ सब मिलाभिगत होता है, तभी ये घोटाले होते हैं। और ये दोस्तों उसकी जीती जागती मिसाल है, जो अभी आप इस वीडियो में कवर पढ़ेंगे। ये उस बैंक मैनेजर की तस्वीर है जो कि एक कांड कर चुका है। बिहार में ग्रामीण बैंक के एक मैनेजर को शेयर ट्रेडिंग का ऐसा चस्का लगा कि उसने अपने कस्टमर्स के अकाउंट में ही सेन लगाना शुरू कर दिया। बक्सर जिले के आशा पड़ारी ब्रांच के मैनेजर रविशंकर कुमार ने इसके लिए अपने पावर का बेजा इस्तेमाल किया। वह कस्टमर के ना तो पासबुक प्रिंट होने देता था और ना ही पैसे जमा होने पर SMS ही आने देता था। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी तुरंत कंप्लेन कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो आपको भी कोई ब्रांच मैनेजर आपकी लेके चला जाए पैसे। उसने करीब 200 से अधिक अकाउंट के ट्रांजेक्शन की जानकारी पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। शुरुआती जांच में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का मामला सामने आया। मतलब दोस्तों समझ सकते हैं 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है एक आम इंसान के लिए। और ये चोदू ब्रांच मैनेजर, जिसकी शक्ल हाईलाइटेड हो रखी है, ये जो लुल्लू सा दिखने वाला ब्रांच मैनेजर है, ये 1 करोड़ रुपए खा के बैठा हुआ, शायद ज़्यादा बड़ी रकम होगी। अब आगे पढ़ लेते हैं। अभी विजिलेंस की टीम जाँच कर रही है कि इसमें और भी खुलासे होने बाकी हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो। उसके जानने वाले लोगों का कहना है कि वह शेयर बाजार से रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगा और ट्रेडिंग में पैसा लगाने की लत ने उसे घोटालेबाज बना दिया। आइए जानते हैं बैंक मैनेजर, मतलब उस चोदू की हरामखोर ब्रांच मैनेजर की गबन कथा। कुछ दिनों पहले एक कस्टमर अपने अकाउंट से रुपए निकालने आशा पड़ रही ब्रांच पहुंचा था। बैंक की तरफ से कस्टमर को कहा गया कि आपके अकाउंट में तो रुपए ही नहीं है। उसने इसकी शिकायत रीजनल ऑफिस में की और वहां कुछ और कस्टमर्स ने भी पहले से ऐसी शिकायतें दर्ज कराई थी। मतलब वो जो ऑफिस वाले हैं वो भी सो रहे थे इतने दिनों से कि बाकी लोगों ने भी दर्ज करा रखी शिकायत, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये लक्की कस्टमर था जिसने शिकायत करी, हालांकि लक्की नहीं अनलक्की है क्योंकि इसका भी पैसा डूब चुका है। और उसके बाद आगे ये चीज़ स्टार्ट हुई। जब शिकायतें ज़्यादा आई तो मामले में पटना हेड ऑफिस को अवगत कराया गया। मतलब एक दो शिकायत आने पर दोस्तों बैंक वाले सब सोए रहते हैं, सब ऊपर डिपार्टमेंट सब सोए रहता है। जब शिकायतें ज़्यादा आई तो तब पटना हेड ऑफिस को अवगत कराया गया। इससे पहले सब सोए हुए थे, सब सुलगा के सोए हुए थे। इसके बाद बैंक ने विजिलेंस से जांच कराई, जिसमें इस गबन का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट के बाद मैनेजर रविशंकर, जो जिस चोदू की आप शक्ल देख रहे थे, ये लुल्लू सा जो दिख रहा है, इसको सस्पेंड किया गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं। पटना से गिरफ्तार हुआ आरोपी मैनेजर, वही रीजनल मैनेजर विकास कुमार भगत ने बक्सर के सेमरी थाने में रविशंकर, उमेश सिंह और आरती देवी सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ 3 दिन पहले FIR दर्ज कराई थी। मतलब देखिए, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं लगभग 3 लोगों के नाम नजर आ रहे हैं, मतलब टोटल 5 लोग हैं। मतलब सारी जो भी मिलीभगत होती है बैंकों में, जितनी भी होती है, सब मिलीभगत बैंकों के सारे ऊपर लेवल से लेकर जूनियर लेवल के स्टाफ के तरह की हेल्प की वजह से होती है। कभी कोई एक बंदा इतने बड़े झोल नहीं कर लेता है, जैसे कि आप अभी इस न्यूज़ में भी देख रहे हैं। जिसके बाद रविवार को बक्सर पुलिस ने पटना के बोरिंग रोड के हिंगेरी अपार्टमेंट से आरोपी रविशंकर को अरेस्ट कर लिया। मतलब अभी भी वो बंदा अपने अपार्टमेंट में चैन से बैठा हुआ है। इतनी औकात, इतने जो कस्टमर का पैसा खा के जो लुल्लू जैसे जो कस्टमर बंदे होते हैं, ये जो गबन कर लेते हैं, अभी भी आराम से बैठे हैं अपने अपार्टमेंट में। इस पर ड्यूटी के दौरान बैंक के 200 से अधिक कस्टमर्स के अकाउंट में सेंधमारी कर फर्जी चेक के जरिए अकाउंट से अवैध तरीके से रुपए की निकासी का आरोप है। अब वो किस वजह से प्रभावित हुआ ये भी देख लीजिए दोस्तों। लोग कहते ना कि कई बार न्यूज़ TV चैनल्स कई बार ले लेते हैं अच्छी भी और बुरी भी, तो यहाँ बुरी ले ली गई है। कैसे, अभी देखिए। द वेब सीरीज़ द बिग बुल से प्रभावित था, मतलब ये चोदू जो था लुल्लू जो जिसकी आपने फोटो देखी थी, वो किससे प्रभावित था, बिग बुल से।
पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई हर्षद मेहता पर बनी वेब सीरीज द बिग बुल का उस पर काफी असर था। पहले वो शेयर बाजार में छोटी रकम का निवेश करता था, फायदा भी हुआ, इसके बाद मोटी आमदनी का चस्का लगा और इसी में पैसे डूबने लगे, जिसके बाद वह बैंक से पैसा निकालने लगा। दिसंबर 2015 में रविशंकर ने बैंक में करियर की शुरुआत की थी, मतलब जो अभी अंडे से मुश्किल से 6 साल हुए अंडे से बाहर निकले हुए इसको, मतलब करियर में आए हुए, 2015 से बैंकिंग करियर स्टार्ट किया और अभी से ही चूतिया काटना चालू कर दिया कस्टमर्स का और 1 करोड़ से ज्यादा काट चुका है। अब आगे बढ़ लेते हैं। 1 करोड़ से भी अधिक रुपए की अवैध निकासी के मामले में रविशंकर के खिलाफ बैंक की विजिलेंस टीम और पुलिस टीम ने अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है। भास्कर की पड़ताल में बैंक मैनेजर रविशंकर कुमार के जालसाजी करने के तरीके की जानकारी मिली है। दोस्तों ये सारी न्यूज़ मैं दैनिक भास्कर से देख के पढ़ के बता रहा हूँ, तो ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैक्सिमम डिटेल आपको इसमें मिलेंगी। पढ़े वो तो 4 तरीके जिससे रविशंकर कस्टमर्स के अकाउंट में सेध डालता था। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो। अब किस किस तरीके से उसने काटा है कस्टमर का वो पढ़ लेते हैं। पहला तरीका, पासबुक अपडेट नहीं होने देता था। बैंक की आशा पड़ाली ब्रांच में 4000 से भी अधिक लोगों ने अपना अकाउंट खुलवा रखे हैं। पिछले 4 महीने से कस्टमर अपने अकाउंट्स में रुपए जमा करने जाते थे, लेकिन जब वो पासबुक अपडेट कराना चाहते थे तो होती नहीं थी, क्योंकि कस्टमर को सीधा कह देते थे कि प्रिंटिंग मशीन खराब है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपकी आपकी भी बैंक की प्रिंटिंग मशीन खराब है तो भैया चेक करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो आपके ब्रांच में भी वही कोई मैनेजर ऐसा बैठा हो। तब पासबुक अपडेट नहीं होती थी, इस कारण किसी कस्टमर को ये पता नहीं चल पाता था कि उनके अकाउंट में कितने रुपए जमा है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, टेक्निकल सेक्शन में गड़बड़ी की ताकि कस्टमर को एसएमएस ना, मतलब इतना चोरू था ये ब्रांच मैनेजर जिसने कांड किया चोर ने 1 करोड़ का, कि भाई साहब आपको एसएमएस ही नहीं मिलने देता था। जब ब्रांच मैनेजर के खिलाफ जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसने ब्रांच के टेक्निकल सेक्शन में भी गड़बड़ी कर रखी थी, जिस कारण भी कस्टमर को पिछले 3-4 महीने से रुपए जमा करने या रुपए के निकलने पर उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किसी प्रकार का एसएमएस नहीं मिल पा रहा था। किसी भी ट्रांजेक्शन की कस्टमर को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। टेक्निकल सेक्शन में गड़बड़ी का फायदा कर उसने पूरा भरपूर फायदा उठाया। जिन कस्टमर्स के अकाउंट से रुपए की निकासी हुई उन्हें कोई एसएमएस मिला ही नहीं। मतलब भैया अगर आपके पास एसएमएस आना बंद हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो चेक करवा लीजिए कहीं आपका भी किसी ऐसे मैनेजर पर पल्ला ना पड़ गया हो। तीसरा तरीका, 1 एकड़ सभी CCTV कैमरे को खुद बंद कर दिया। मतलब बाकी बैंक वाले सोए हुए थे कि इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तौर पर ब्रांच के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई CCTV कैमरे लगे हैं। हर एक कैमरे को चालू करने की स्थिति में हर वक्त रहना चाहिए, मगर आशा पड़ारी ब्रांच का कोई भी कैमरा एक्टिव नहीं है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक का कोई भी कैमरा एक्टिव नहीं था। बैंक की विजिलेंस टीम से जुड़े सोर्स बताते हैं कि पड़ताल और दूसरे स्टाफ से पूछताछ के दौरान पता चला कि रविशंकर ने सभी CCTV कैमरे को खुद बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि उसकी कारस्थानियाँ उसमें कैद ना हो। मतलब इतना बड़ा चोर है साला, मतलब इसके कुछ जीन में ही कुछ गड़बड़ है इसका, मतलब यही लग रहा है दोस्तों, जो इतना बड़ा कांड कर दिया बंदे ने। चौथा तरीका, एक्सेस का गलत फ़ायदा उठाया। पत्नी और रिश्तेदारों को ब्रांच पैसे, मतलब देखिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि चोर के पीछे पूरी टीम होती है। मतलब उस बंदे ने अपनी पत्नी के और रिश्तेदार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो चोर साले वो लोग भी हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको भी कूटना चाहिए अच्छे से। ब्रांच मैनेजर रहते रविशंकर ने हर उस अकाउंट को खुद से खंगाला जिसमें मोटी रकम जमा थी। उसने ब्रांच मैनेजर के रूप में मिले पावर और सिस्टम के एक्सेस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 एकड़ का एक कस्टमर के अकाउंट से ऑनलाइन रुपयों का ट्रांसफर अपनी पत्नी, पिता और भाई समेत दूसरे रिश्तेदारों के अकाउंट में कर दिया। मतलब सारा खानदान ही चोर निकला इस चोदू ब्रांच मैनेजर का, जिसकी फोटो आपने थोड़ी पहले देख ली है। आपको लग रहा है इसकी शक्ल देख के ये चोदू इतना बड़ा कांड कर सकता है? इसका पूरा खानदान कांड ही निकला है इसका, मतलब दोस्तों इस वीडियो से आप देख सकते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के तौर ब्रांच मैनेजर रहते रविशंकर ने हर उस अमाउंट का खुद को खंगाला जिसमें मोटी रकम जाती थी। बैंक के विजिलेंस की टीम ने अब तक 120 से अधिक कस्टमर्स और अकाउंट के फर्जी निकासी की बात सामने आई है। जूनियर्स को डोमिनेट करता था और सीनियर्स को पार्टी देता, मतलब देखिए दोस्तों पैसा लूटने का तरीका, जूनियर्स को डरा दिया जाता था और सीनियर्स को पार्टी, उनके मुंह पे उनको भर दिया जाता था, मतलब उनको भी घूस खिला दी जाती थी। ड्यूटी के दौरान अपने जूनियर स्टाफ रविशंकर ध्वज जमाता था, उन्हें ऊपर तक अपनी पहचान होने का डर दिखाता था, ब्रांच के अंदर जातिवाद करता था और दूसरे स्टाफ को ताना देता था। इसके अलावा अपने सीनियर अधिकारी को भरोसे में लेने के लिए वह अक्सर अपनी ब्रांच बुलाता था, उन्हें और इलाके के प्रभावशाली लोगों को पार्टी दिया करता था, मतलब सबको खिलाया पिलाया जाता था, ये हाल था। इसके प्रभाव को देखकर ब्रांच के जूनियर स्टाफ डर के साए में रह रहे थे। अपने ऊपर इसने सीनियर्स का भरोसा इस कदर बना रखा था कि पिछले 6 महीने से रीजनल मैनेजर ने इस ब्रांच का इंस्पेक्शन ही नहीं किया। सुबह 8 बजे रविशंकर अपनी ब्रांच को खोल दिया करता था, लोन के रिकवरी टारगेट को भी पूरा कर दिया करता था। सीनियर्स के बीच मिलनसार व्यक्ति बना हुआ था। फिलहाल इसकी पत्नी, पिता और भाई फरार है, पुलिस इनकी तलाश में जुटी। मतलब पूरा खानदानी साला चोर निकला इन जैसे चोदुओं का और कितना बड़ा कांड कर चुके, कितने आम इंसान का पैसा डूब चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी मैसेज नहीं आ रहा है, आपकी पासबुक अपडेट नहीं की जा रही, तो भैया चेक करवा लो कहीं आपका ब्रांच में वैसा ना निकल जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज दोस्तों